राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन करना मानो सरकार के लिए भारी पड़ गया। जी हाँ, राजगढ़ के कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक बापू सिंह तंबर भी जा पहुँचे। तंबर न केवल कार्यक्रम में गए बल्कि कमलनाथ के इस विधायक ने सरकार को हैरान कर दिया। तंबर ने जाकर माइक संभाला और दो मिनट के भाषण में जनता को बता दिया कि इस मेडिकल कॉलेज का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। आप खुद देखिए किस तरह से कमलनाथ विधायक अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के मंत्री उनको बांसड़ बंद करने को कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के लिए तो आप सब ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। साथियों, मैं जरासीम थोड़ा क्षेत्र की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। मैं एक उद्योग की दो तीन मांग और मुख्यमंत्री जी बहुत उदारवादी, तुरंत घोषणा कर देते, मिल जाती। लगभग दो से तीन मिनट के भाषण में सरकार के मंत्री मोहन यादव और सांसद रोजमल नागर बड़े हैरान परेशान बापू सिंह तंबर के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। बापू सिंह ने अपनी बातें पूरी कर ली और फरमाइशों की लिस्ट ले जाकर जा पहुंचे सीएम के पास स्टेज पर। वहां वो प्रभारी मंत्री जी की कुर्सी पर बैठ गए और मंत्री जी को भाषण और कुर्सी पर बैठना दोनों रास नहीं आया। फिर क्या था, मंत्री जी ने उनको कुर्सी से उठा दिया। आम तौर पर सरकारी कार्यक्रम में भी कांग्रेस के विधायक या तो मंच पर मौजूद नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो मन छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ के इस विधायक ने अपने अंदाज से कमाल कर दिया है।